बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम बाय द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल लर्निंग गार्डन। पीटीबी की बुक फिज़िक्स क्लास 10 जिसके चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, उसका आज हम टॉपिक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर प्रीवियस टॉपिक्स की आपको समझ आई होगी तो इस टॉपिक के नाम से ही आपको इस टॉपिक की समझ आ जानी चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब है पलट के वापस अपने ही मीडियम में आ जाना। टोटल का मतलब है मुकम्मल तौर पर, और इंटरनल का मतलब है जहाँ से स्टार्ट हुई थी उसी में वापस आ जाना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी भी लाइट का अपने ही मीडियम में मुकम्मल तौर पर पलट के वापस आ जाना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी अपने ही मीडियम में मुकम्मल तौर पर वापस आ जाना। अब आप अगर इन डायग्राम्स को देखें, डायग्राम ए बी, इन दोनों डायग्राम्स में आपको रिफ्लेक्शन कहीं नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्शन, यानी लाइट आ रही है इस प्लेन के साथ, वो उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा चेंज बनाया, बेंट हुई और रिफ्रैक्ट हो गई। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रे आ रही है, रिफ्रैक्ट हुई है, लेकिन एग्जैक्टली प्लेन पे 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई है और आगे चली गई है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको रिफ्रैक्शन नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहा। अभी हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं कि इस डायग्राम्स में हमें क्या बताया जा रहा है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम, जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम यानी गाढ़े मीडियम जस्ट लाइक एक ग्लास के अंदर से गुजर रही है, एंटर्स इनटू अ रेयर मीडियम, तो और एक रेयर मीडियम में एंटर हो रही है, यानी कि हवा हमारे पास रेयर मीडियम है और ग्लास यानी शीशा हमारे पास डेंसर मीडियम है। जब एक लाइट रे आ रही है और एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में एंटर हो रही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस नॉर्मल लाइन से वो टू से परे की तरफ बेंड हो गई है, यानी रिफ्रैक्ट हो गई है। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीजेज, और इसका मतलब है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को हम और थोड़ा बढ़ा दें, यानी थोड़े और डिफरेंट एंगल से हम लाइट को थ्रो करें, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ऐसे आएगी कि रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री हो जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने और बढ़ाया है यहाँ से। अब हमने एक ऐसे एंगल को ढूंढा जहाँ से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस करेंगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो वो एग्जैक्टली इस नॉर्मल से 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे एंगल को जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री का हो, उससे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉजेज अ रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके बाद लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गए नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ये बी में शो किया गया है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये अगर हम इसको और थोड़ा बढ़ा दें, यानी लाइट यहाँ से थ्रो करने के बजाय हम और यहाँ से थ्रो करें, कि अब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो रिफ्रैक्टेड एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री से भी बढ़ जाए तो क्या होगा? तो इस डायग्राम को देखें, फिर ये होगा। अब क्या होगा? जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को मज़ीद बढ़ाया, नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को मज़ीद बढ़ाया, तो अब जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो 90 डिग्री नहीं बनेगी, वो 90 से भी बड़ी बनेगी। और ऐसे केस में जब वो 90 से भी बड़ी बनेगी तो वो डेंसर मीडियम से वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, ना ही 90 के एंगल पर रहेगी, वो क्या हो जाएगी? डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बड़ा करने पे रिफ्रैक्टेड एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो रिफ्रैक्टेड रे नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे, यानी जिस मीडियम से रे एंटर हुई है उसी मीडियम में वापस आ गई है, तो वो रिफ्रैक्टेड रे नहीं रही, वो क्या बन गई? रिफ्लेक्टेड रे। और इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और इस फॉर्म में क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, राइट? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से जो रिफ्रैक्टेड एंगल बना था वो 90 डिग्री का बना था। अगर जब हम हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी और बड़ा कर देंगे इस केस में, तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
तो आप देखें इस डायग्राम के आपको समझ आई है तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी आपको समझ आएगी। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हमारे क्रिटिकल एंगल से और बड़ा हो जाएगा, यानी इस नीचे वाली डायग्राम का एंगल इसकी बात हो रही है, जब इस एंगल से बड़ा हो जाएगा नो रिफ्रैक्शन अकर्स, तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द डेंसर मीडियम, पूरी की पूरी लाइट अपने डेंसर मीडियम ने ग्लास से निकली है, ग्लास से ही वापस आ जाएगी। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस रिफ्लेक्शन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है ये, बहुत छोटा सा और बहुत आसान टॉपिक है, और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी बहुत दफ़ा आ चुका हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, क्रिटिकल एंगल वाटर का आई फाइंड करना है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, जिसका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ आर जो है वो 90 डिग्री का होगा। एंगल ऑफ आई फाइंड आउट करना है, वेयर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, और जो हवा वाटर इंडेक्स है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का 1.33 है, और एंड दैट ऑफ एयर इज 1, और जो एयर है उसका 1 है। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमने किस तरह से इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दैट स्नेल्स लॉ, एन इज इक्वल टू साइन ऑफ आर ओवर साइन ऑफ आई इन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री ऑलरेडी हमें गिवन है, हम क्या करेंगे साइन आई को एन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो साइन आर इज इक्वल टू एन साइन आई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री गिवन है, साइन 90 फाइंड आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। आई हमने फाइंड आउट करना है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस तभी फाइंड हो सकता है जब हमारे पास ये तमाम तमाम वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए, तो एन जो है वो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और एन हमारे पास 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऑलरेडी गिवन है, तो इसको जब हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो यहाँ पर आ जाएगा 1.33 साइन आई इज इक्वल टू 1, और जैसे ही साइन आई को हम फाइंड आउट करेंगे 1/1.33 हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से, और साइन जो वहाँ पे आई के साथ है वो इन्वर्स होके यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ही साइन इन्वर्स यहाँ पे आएगा 1.33, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 1/1.33 कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे 0.752 आएगा, फिर हम उसके ऊपर साइन इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 48.8 आ जाएगा। तो इस तरह से क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या आ गया 48.8 डिग्री। अब यानी कि हमने कौन सा एंगल फाइंड आउट किया है, ये वाला हमने फाइंड किया जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्टर जो है वो यानी 90 डिग्री था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड आउट किया है, ये वाला एंगल हमने फाइंड किया है आई, जो कि क्या है जो हमारा न्यूमेरिकल है जिसमें ग्लास और वाटर यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने फाइंड आउट किया 48.8 डिग्री होगा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 90 डिग्री जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया, और इस तरह से आपका ये टॉपिक जो 12.5 है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।